नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को संघ के कार्यक्रम में थे। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को भारत माँ का सपूत बताने वाले प्रणब मुखर्जी ने इस दौरान नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उन्हें राष्ट्रवाद का मतलब बताते हुए कहा कि हमारा राष्ट्रवाद हमारे संविधान में निहित है। साथ ही उन्होंने भारत को वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखने वाला देश बताया है। पहली बार संघ के गढ़ में दिए गए प्रणब मुखर्जी के भाषण पर कई नेताओं ने अपनी राय रखी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, आरएसएस मुख्यालय में प्रणब दा की तस्वीरों ने भारतीय गणतंत्र के आधारभूत मूल्यों, विविधता एवं बहुलतावाद में विश्वास रखने वाले लोगों और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को पीड़ा दी है। तो वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी से अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करने का सवाल किया है। उन्होंने कहा, मुखर्जी को आरएसएस को उसका इतिहास याद दिलाना चाहिए था। प्रणब मुखर्जी के भाषण पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार को राजधर्म की याद दिलाई है। पीएम मोदी को बताया कि राष्ट्रवाद क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राष्ट्रपति और मोहन भागवत का संबोधन एक दूसरे के पूरक थे। उन्होंने ही राष्ट्रवाद को प्रमुखता दी और राष्ट्र पहले का संदेश दिया है।